आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.3 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 है हमारा, कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड क्लोजेज एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन टू द फॉर्म ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पर जो है वो एक वायर जो है वो स्क्वायर की जो है वो शेप में बेंट कर दी गई है और एरिया ले रही है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, नहीं है। और 121 इक्वल टू एस का स्क्वायर हो गया, रूट लगाया तो एस निकल कर आ गई 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 और 11 ये इसकी साइडें हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू 11 करके 44 सेंटीमीटर हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर जो निकल कर आएगा वो हो जाएगी इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि जो पेरीमीटर हम निकालेंगे 44 वो लेंथ हो जाएगी वायर की, ठीक है। जब लेंथ हो जाएगी वायर की, ठीक है ना, और वो सर्किल में कन्वर्ट होगा ऐसे करके, है ना। तो यही लेंथ तो सेम ही रहेगी 44 सेंटीमीटर। अब सर्किल में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा या बेंट हो जाएगा, है ना, तो इसकी सरकमफ्रेंस होती है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr, है ना। 44 इसके इक्वल है तो 2 × 22/7 × r, है ना, ये हो जाएगी 44 इक्वल टू 44r/7/1×। तो ये हो जाएगा 7 × 44/44 = r। 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी रेडियस जो निकल कर आएगी वो 7 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे जो ये सर्किल के रूप में जो है वो बेंट होगी वायर। अब जब रेडियस हमारे पास आ गई, नहीं समझे तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अगर रेडियस हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर तो फिर एरिया सर्किल का निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 22/7 × 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।